एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज है रक्षाबंधन, मंडे है आज और 3 तारीख है। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ मीठा बना रही हूँ इस कुकर में, आप देख रहे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कुकर में ही क्यों बना रही है, और कुकर में मैं सेमी बना रही हूँ इसलिए क्योंकि ये नया आया है, तो मैंने सोचा नए कुकर में पहले कुछ मीठा बना लेते हैं, उसके बाद मैं फिर उसको यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं बच्चों के कपड़े देख रही थी क्या पहनाना है क्या नहीं, तो बच्चों ने इतने सारे कपड़े निकाल कर रख दिए थे, क्योंकि बच्चों की खुद की भी चॉइस होती है आजकल, वो अपने पसंद से कपड़े पहनते हैं। तो मैंने निकाल दिए थे और फिर मैं अपने कामों में लग गई थी। नहाने गए हैं दोनों बच्चे, मेरा नहाना धोना हो चुका है, घर की क्लीनिंग सब हो चुकी है, और अब बच्चों को सिर्फ मुझे तैयार करना है। तो ये आशु का रखे हुए हैं कपड़े, शिवानी के मैंने आपको दिखा दिए, गाउन वगैरह निकाल रखा है उसने, और ये आशु की न्यू टी शर्ट वगैरह जो उसने सिर्फ अभी एक बार भी नहीं पहनी है, कुछ ऐसी हैं और कुछ एक दो बार पहनी है, वो वैसी भी हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चे को कपड़े निकाल दिए हैं और यहाँ पर नहा धोकर बच्चे रेडी हो चुके हैं, और अब मैंने इनसे राखी बंधवा दूँगी। और मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ क्योंकि मुझे खाना वाना बनाना है, तो फिर गर्मी में ऐसे ही हो जाते हैं, इसलिए खाना बनाने के बाद मैं रेडी होंगी। और यहाँ पर बच्चे राखी वगैरह बांध रहे हैं बस, और मैं फिर जाऊँगी खाना बनाने के लिए। और आशु दे रहा है शिवानी को गिफ्ट, एक ड्रेस दी है उसने और कुछ पैसे दे दिए हैं। तो बस यहाँ पर शिवानी दे रही है उसको आशीर्वाद। तो ये इनकी सबकी मस्ती चल रही थी बच्चों की, और अब आ गए हैं उसके चाची के बच्चे, तो वो भी राखी बांधते हैं। तो यहाँ पर अब चिंकी बांध रही है, इसका नाम चिंकी है, तो ये भी बांध रही है अपने बड़े भाई को। आशु थोड़ा सा बड़ा है, इससे ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, तो वो टीका कर रही है और फिर राखी बांधेगी। उसको राखी बांधनी भी नहीं आती है, अभी छोटी है ना, तो फिर मैंने ही पहनाई थी उसको राखी। तो यहाँ पर ये देखिए लाइट वाली बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती है राखी, तो उनके लिए लाइट वाली ही लेकर आए थे हम लोग। और अब ये छोटा वाला आ गया है, बहुत ही शैतान है और बहुत ही प्यारा भी है, शैतानी करता है बहुत ज़्यादा, ये देखना आप। और जब भी मेरी वीडियो में आता है ना, देखता है हेलो हेलो करने लग जाता है सबको। तो बस यहाँ पर शिवानी ने उसको भी राखी बांध दी है, ये देखिए लाइट दिखा रही है उसको, लाइट जला कर ना। तो अब हम सब कर रहे हैं आप सबको हेलो, हैप्पी रक्षाबंधन। तो अब मैं जाऊंगी बस खाना बनाने, इन बच्चों का काम हो चुका है, और अभी इनकी बुआ नहीं आई है, थोड़ा सा लेट आएगी, तो जब तक मैंने सोचा कि खाना वगैरह अपना बना लेते हैं, उसके बाद ही मैं रेडी होंगी, क्योंकि कपड़े फिर ऐसे हो जाते हैं ना पूरे किचन में खाना बनाने से। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च कट कर ली है, ऑयल गर्म हो गया था, और अब इसको मैं फ्राई करूँगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ाई पनीर, उसके लिए मैंने रफली ऑनियन कट कर लिए हैं, शिमला मिर्च को कट कर लिया, और अब इनको मैं फ्राई करूँगी। तो शिमला मिर्च मेरी फ्राई हो चुकी है, उसके बाद मैंने जो ऑनियन कट करा था रफली क्यूब्स में कट करा था, उसको मैं फ्राई कर रही हूँ, गोल्डन ब्राउन सा कर लूँगी, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना है। तो अब मैंने वो वाले निकाल लिए थे ऑनियन, अब ये दूसरे डाल दिए कट करके, पेस्ट नहीं बनाया मैंने, जैसे कि आपको पहले भी बताया है मैंने कई बार कि वो चिपक जाता है कढ़ाई में, इसलिए पेस्ट नहीं बनाया है। टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था, और उसमें मैंने खड़े गरम मसाले डाल दिए थे, कुछ लहसुन अदरक का पेस्ट भी उसी में ही डाल दिया था, और अब टमाटर को भी टमाटर का पेस्ट मैंने डाल दिया है इसमें। तो बस यहाँ पर जो है मैंने टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया था, और अब इसमें वही रेगुलर मसाले डालूंगी जो रोज़ डालती हूँ, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, ये सब डाल दिया है, और ज़्यादा मसाले वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बस यही मैंने 4 मसाले डाले हैं जो रोज़ यूज़ करती हूँ। और अब इसको मसाले को अच्छे से भून लूँगी, और मिक्सी के साइड में जो भी मसाला लगा रहता है पानी डालकर मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको पका लूँगी जब तक मसाले ऑयल नहीं छोड़ देते हैं। और बस यहाँ पर जो है मैंने इसमें 2-4 काजू डाल दी हैं, उनको मैंने हाफ पार्ट्स में कर लिया था, और अब इसको भून लूँगी अच्छे से मसाले को। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया था और आटा भी लगा दिया जब तक मेरा मसाला भून रहा था, क्योंकि आटा मैंने छान कर रखा हुआ था, तो आटा भी लगा दिया और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको अच्छे से भून लिया था मसाले को। उसके बाद मैंने जो शिमला मिर्च और ऑनियन को फ्राई करके रखा था वो डाल दिया है, 2-3 मिनट पकाया, उसके बाद फिर मैंने पनीर के क्यूब्स डाल दिए थे। तो पनीर को आप फ्राई भी करके डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला क्योंकि हम लोगों को पसंद नहीं है पनीर को फ्राई करके डालना, और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया हल्का सा। तो सब्जी हमारी रेडी हो चुकी थी, और अब बना रही हूँ मैं पूरियाँ, बच्चों को भूख लग गई थी, इनको भी। तो बस यहाँ पर बन रही है हमारी गर्मा गर्म पूरियाँ, और मैं इनका लगा देती हूँ इनकी प्लेट। तो ये लगा दी है प्लेट, पहले पापा जी की लगाई थी और अब इनकी लगा दी है।
तो बस यहाँ पर जो है बच्चों ने भी खाना खा लिया है, और ये है हमारा खाना, आप लोग भी खा लीजिए, आज का हमारा खाना है ये। तो बस अब आ चुकी है बच्चों की बुआ, तो वो राखी बांधने वाली है बच्चों को। तो सबसे पहले बारी आती है आशु की, तो यहाँ पर आशु को बांध रही है पहले बुआ राखी, मिठाई खिला रही है, जो भी होता है बस रक्षाबंधन पे वही कर रही है, और चॉकलेट दे रही है उसको। और भी बच्चे बैठे हुए हैं, तो अब आ गई है इनकी बारी, और आज आप इनको भी देख लीजिए वीडियो में, फर्स्ट टाइम आए हैं मेरी वीडियो में। तो आज तो मैंने इनकी जो है वीडियो बना ली थी, उन्होंने परमिशन भी दे दी थी मुझे बनाने की। वैसे नहीं आते हैं मेरी वीडियो में, बहुत ही कम आते हैं, आते भी हैं तो कभी फेस वगैरह नहीं दिखाया, बट आज मैंने बोल दिया था कि आज तो मैं बना लूँगी वीडियो, तो मैंने बना ली थी। तो यहाँ पर बहन भाइयों की जो है राखी बंध रही है और आशीर्वाद दे रहे हैं भाई। तो बस अब हो चुकी है हम सब की, और अब यहाँ पर जो बुआ का बेटा है ना, उसको भी शिवानी राखी बांधती है, तो उसी को राखी बांध रही है। तो ये देखिए खुश हो रहे हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। तो बस अब सबने यहाँ पर राखी बांध दी है, और अब तो बस अब आप सबको विश कर दिया है हमने। और यहाँ पर मैं आपको अपना दिखा रही हूँ ड्रेस, मैंने ड्रेस पहना है, मैं रेडी हुई हूँ, जो झुमकी पहनी है, ये झुमकी मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो ये पहन लिया है मैंने। और सूट ही पहना है, मैं सूट में कंफर्टेबल होती हूँ क्योंकि। और अब आ चुकी है मेरे मतलब मेरी बारी राखी बांधने की, तो मेरे भाई हैं बड़े वाले, तो बस अब मैं इनको भी राखी बांधूंगी। और मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, मेरे बहन भाई छोटे हैं, और हम लोग दो बहन और दो भाई हैं। तो ये भाइयों में बड़ा है, छोटा वाला भाई भी आ जाता है कभी कभी, बड़ा वाला आ जाता है। तो अब आ गई है मेरे प्यारे से भतीजे की बारी, और बहुत ही क्यूट है ये। तो बस यहाँ पर मैं अब इसको भी राखी बांध रही हूँ और उससे कुछ बातें कर रही हूँ, और आशु भी बैठ गए हैं वहाँ पर आकर। तो ये बहुत ही कम मुझसे बात करता है क्योंकि मैं नहीं रहती हूँ ना इसके पास, तो मेरे से थोड़ा सा शाय है ये, बात कम करता है मेरे साथ। तो बस यहाँ पर जो है अब मैंने इसको भी राखी बांध दी है, और अब शिवानी बांध रही है उसको राखी, मेरे भतीजे को, और उसका नाम है आरव, तो उसको राखी बांध रही है, वही लाइट वाली राखी सेम। और भाभी बैठी हुई हैं, ये है मेरी भाभी, तो इनको भी देख लीजिए आज, ये भी मेरी वीडियो में शायद से फर्स्ट टाइम ही आई हैं। तो अब मैं भाभी को राखी बांध रही हूँ, भाई को बांध दिया, भतीजे को, भाभी की बारी है, तो वो घर पर ही आ गए थे, तो मैं उनको राखी बांध रही हूँ। और हम कुछ बातें भी कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, शायद से 7-8 महीने हो गए हमें, जनवरी में मिले थे, उसके बाद अभी मिले हैं। तो बस मैं भाभी को राखी बांध दूंगी और उसके बाद मैं जाऊंगी, अब मैं आपको सीधा अपने मायके में ही मिलूंगी, तो मैं इनके साथ ही चली जाऊंगी, काफ़ी दिन भी हो गए थे, तो मिठाई खिला रही हूँ। तो बस आप लोगों से मैं ये कुछ फ़ोटो शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे मायके में रक्षाबंधन मनाई गई थी, भाभी की, भाई की, और भतीजे की, और मेरी सिस्टर की। तो वही मैं फ़ोटो आपसे शेयर कर रही हूँ, कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और यही है मेरा आज का व्लॉग, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।